2013 अन्ना आंदोलन खत्म हो चुका था और अरविंद केजरीवाल उनकी टीम दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। ये सुंदर नगरी है, यहाँ पर एक नया प्रयोग किया गया। अरविंद केजरीवाल लगभग 15 दिन तक यहाँ धरने पर बैठे। मुद्दे थे बढ़ते हुए बिजली के दाम और पानी के दाम। पानी बिजली के नाम पर एक पूरी रणनीति तैयार की गई और कहा गया, आम आदमी पार्टी ने नारा दिया, बिजली हाफ पानी माफ। ये नारा, ये मुद्दा, ये चुनावी वादा लोगों के दिलों में घर कर गया और आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। बाकी पार्टियों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका वोट बैंक इन वादों के साथ खिसक जाएगा। एक बार फिर चुनाव है, आम आदमी पार्टी मैदान में है, वही वादे फिर से हैं। तो चलिए चलते हैं सुंदर नगरी में जहाँ से ये प्रयोग शुरू हुआ था और जानते हैं कि वो वादे जिन्होंने एक पूरा वोट बैंक हिसका दिया था अब भी कितने असरदार हैं। सीमापुरी विधानसभा में आता है सुंदर नगरी इलाका। ये वो जगह है जहां आम आदमी पार्टी ने वोट बैंक की नब्ज को पकड़ा। बिजली हाफ पानी माफ का नारा था। सुंदर नगरी और आसपास के इलाके के लोगों को ये नारा रास आ गया। सुंदर नगरी में ही केजरीवाल ने बिजली पॉलिटिक्स शुरू की और ये नई राजनीति रंग लाई। 2013 में आपका झाड़ू जगमगा उठा। आम आदमी पार्टी को इस सीट से जीत मिली, जबकि ये सीट कांग्रेस का गढ़ थी। लगातार 3 बार कांग्रेस को यहां से जीत मिली थी। 2015 में तो बिजली पानी ने पूरी दिल्ली में झाड़ू लहरा दिया। कांग्रेस ने 15 साल का राज खोया तो बीजेपी की सत्ता की उम्मीद पर एक बार फिर पानी फिर गया। एक बार फिर सुंदर नगरी तैयार है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। ये नई सीमापुरी है और सर क्या नाम है आपका? शौकीन तोमर। ये शौकीन और तोमर कुछ अलग सा नाम है? नहीं, अलग कैसे है, तोमर गोत है हमारा। अच्छा। हाँ, तोमर राजपूत। हाँ जी, शौकीन नाम है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? कई साल हो गए रहते हुए सीमापुरी में। बदला कुछ सीमापुरी आपका? बदलने को बदल ही रहा है टाइम बाय टाइम। जब से केजरीवाल आया है, जो हमारे यहाँ मजदूर आदमी है, जो 10,000 रुपए महीने कमाते थे, 5,000 रुपए पानी में और बिजली में दे दिया करे, हमारी आज वो बचत 5,000 रुपए की आ रही है। और जो ये बीजेपी पार्टी आई, इसमें विकास या कोई कंपनी या कोई भर्ती आज तक कोई नहीं खोली। कांग्रेस भी बहुत टाइम विधायक रहे यहाँ। हाँ, कांग्रेस रे, कांग्रेस में गरीब भी और मालदार भी सभी खुश रहे। कहते कि कांग्रेस ने खाया तो खिलाया भी लोगों को। आप ज्यादा पसंद आई आपको कांग्रेस आई है जी? आम आदमी पार्टी ज्यादा पसंद आई है कांग्रेस आई? देखो, इस टाइम पे जो है, जो आम पार्टी ने करा है वो बहुत बेहतरीन करा है, गरीबों के लिए बहुत बेहतरीन करा है इन्होंने। अच्छा, कांग्रेस ने जो है, जो राष्ट्रीय लेवल के हिसाब से चली, उसने अपनी जगह पे वो सही करा कि कोई मजदूर या कोई गरीब या सरकारी कर्मचारी कोई परेशान नहीं रहा उसने। क्या नाम है भाई आपका? तस्लीम। कब से रह रहे हैं सिवापुरी? बचपन से सर। कितना बदला सिवापुरी? बदलाव तो हो चुका है इसमें, जब से अरविंद केजरीवाल आए हमारे, जब से बदलाव है इसमें। आगे भी उनकी सरकार आती है तो हमें बहुत खुशी होगी। क्या चीजें पसंद आई आपको उनके? उनके काम अच्छे थे इसलिए उनकी पसंद आए हमें काम। ज्यादातर जो वादे करे हैं वो वादे भी निभाए उन्होंने, आगे भी वो वादे निभाते रहेंगे। उससे पहले बहुत टाइम तक कांग्रेस जीतती रही। कांग्रेस के इतने अच्छे काम नहीं थे जितने अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाए। पानी का और बिजली के बारे में भी बहुत काम करे हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम पप्पू कुरैशी। कुरैशी साहब, किसने काम किया? केजरीवाल ने किया सर। बत्ती पानी फ्री, लेडीजों को गाड़ी फ्री, सब चीज़ केजरीवाल कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं सब फ्री। अच्छा है, सब बढ़िया। केजरीवाल आपका? केजरीवाल। क्या नाम है आपका? गुलफाम। गुलफाम भाई, कुछ ऐसा अच्छा काम जो आपको लगे कि भाई सब लोगों को पसंद आया? सर, रोजगार रह गया, बाकी सब कर दिया केजरीवाल ने। रोजगार भी कहाँ रह गया, बच्चों की नौकरी लगनी चाहिए। जवान जवान लड़के घूम रहे इतने, फिर वो चोरी डकैती करेंगे, फिर वो ये हाल होगा। इसलिए बच्चों की नौकरी लगनी चाहिए। जो काम कर रहे हैं केजरीवाल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अरे राम राम चाचा। हाँ, क्या नाम है? पकड़ क्या काम है? मेरा नाम पूछ के बताओ पहले। नाम तो बता दो पहले, काम बताओ। टोपी देखा हमने कि भैया केजरीवाल के हम वोट कांग्रेस को, इसके जागा केजरीवाल को।
कांग्रेस नहीं जा रहा जुबान से लेकिन आपके नहीं थे कभी अब नहीं है। क्या नाराजगी क्या हुई? नाराजगी हो गई तुम्हारे पास किसी काम को जामे हम और तुम काम ना करो तुम हमारे को लगो। सही बात है हम नहीं देते वोट हमारी मर्जी। अब आम आदमी पार्टी के पास जाते हो सुनते हैं? हम तो फॉरवर्ड हम जामे या ना जामे लेकिन आम पार्टी को वोट देंगे हम। ये तो गलत कर रहे हो ना उनको आप नाराज हो गए इनको कह रहे हो कि कोई बात नहीं तुम कर दो काम तुम्हें वोट दे देंगे और क्या। नहीं, आप आपके लिए तो आप कह रहे हो काम करें ना करें कोई बात नहीं। नहीं 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 हर आदमी मतलब के लिए दौड़ता है। अगर ठेली ना लगाऊंगा तो रोटी कोई दे देगा मुझे फिर भूखा ही मरना मेरे बच्चों कौन खिलाएगा। तो अभी नेता किस मतलब के लिए दौड़ रहे हैं? सब इसमें जाएंगे बीजेपी इसमें कह रहा मैं। आप कभी बीजेपी कभी कांग्रेस और टोपी आपकी भैया बस हमसे हाथ जुड़वा लो जाओ तुम। नाम 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 बताओ मुझे। राम नरेश। कब से रह रहे हैं? 40 साल हो जा रही धीरे धीरे 38 साल हो गई। कौन सी पार्टी सुन रही है? सुन तो केजरीवाल की आ रही है। काम हुआ? काम कंप्लेंट दे रखी है एक साल हो जा रही है और नाला बन के तार यार नहीं हो रहा होना बना रहे एक साल हो गया। हाँ जी तो फिर भी आप कह रहे हैं काम हुआ है? कहाँ हुआ काम? काम ही तो नहीं कर रहे हैं। फिर अब हो जाएगा अब हो जाएगा नहीं कर रहे तो सारे कोई जाने को तैयार नहीं है पब्लिक में होने जाता है कोई तो सारे मोहल्ले वाले तो कह रहे हैं भैया झाड़ू ने काम किया है। झाड़ू ने काम जो करा ऊपर का जो अंदर का काम नहीं कर रहे ना बाहर का कर रहे हैं अंदर का नहीं कर रहे। बाहर का मतलब बाहर मोहल्ले के बाहरी मोहल्लों का मोहरों कर रहे। देखिए जो नाला दिखा रखा है इसको काम नहीं कर रहे जो नाला भरा खड़ा है दीवालों में सीलन जा रही है नहीं कर रहे। ये APJ अब्दुल कलाम मार्ग है जामा मस्जिद सुंदर नगरी सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में ये इलाका आता है। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सर। सुनील भाई कितना बदला ये इलाका आपका? सर इलाका तो सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना बदला और हम भी देख रहे हैं कितना बदला है। इलाका तो इतना बदल गया है कि साफ सफाई आप देख रहे हो जो केजरीवाल जी ने दावे किए हैं। स्कूल तो ठीक है जो वो कर रहे हैं बढ़िया है लेकिन यहाँ की जो गंदगी है रोड जो जाम हो रहे हैं ब्लॉक हो रहे हैं लोग निकलने के लिए परेशान होते हैं इसके बारे में क्या कहेंगे सर केजरीवाल? बिजली पानी तो अच्छा दे रहे हैं? हाँ बिजली पानी ठीक है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बिजली अब सब कुछ बिजली पानी से तो चलेगा नहीं ना सर लोगों को निकलने में भी दिक्कत है। अब हम निकलते हैं रोड पे तो वहाँ पूरी गाड़ियाँ एक दूसरे से भिड़ी पड़ी हैं पूरा रोड घिरे पड़े हैं उसका भी कुछ समाधान होना चाहिए ना। उन्होंने जो वादे किए थे कितने प्रतिशत पूरे कर लिए? अरे सर वादे तो हर आदमी करता है उसमें से पूरे तो कोई भी नहीं कर पाता। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज है। हाँ शाहबाज भाई आप इत्तेफाक रखते हैं सुनील भाई से? जी हम तो सिर्फ ये कहेंगे वोट फॉर झाड़ू क्योंकि फिलहाल दिल्ली की पोजीशन देखते हुए जो ना बहुत अच्छा काम हो रहा है क्योंकि हर काम जो ना धीरे धीरे होता है। भाई ने कही रोड की समस्या है वो भी हल होगी ऐसी बात नहीं है। जाम यहाँ सुंदर नगरी में नहीं है दिल्ली के किसी भी शहर में चले आओ हर जगह जाम है। चाचा आपका दिल किस बात से खुश हुआ इतने सालों से रह रहे हैं आप सिंगापुर में? ऐसा है जी क्षेत्र में जो है जैसे जाम खड़े हैं यहाँ पे लाइट लगी है इससे यहाँ दिन का सा माहौल रहता है। दूसरे नंबर हमारे यहाँ CCTV कैमरे लगाए हैं और फिर गलियों की सड़कें वगैरह जो है मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सुविधा हो गई है चोरी होने सुविधा सारी है। दूसरे नंबर जैसे CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो भाई चोर पोर है या कोई मामला है उसमें आ जाता है या पानी की दिक्कत कोई नहीं है। आपका क्या नाम? हमारी तरफ तो सब जगह लगे हुए कैमरे भाई हमारे यहाँ हमारी तरफ तो अच्छा है हमारे यहाँ गेट भी है ना। हम तो देखो केजरीवाल जहाँ भी है वहाँ रहने चाहिए। केजरीवाल जिंदाबाद केजरीवाल 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 कंप्लेंट की है निगम पार्षद जी को तब जाके वो गेट लगाए मोल लगेगी झाड़ू पे। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में ये नंद नगरी है। सर क्या नाम है आपका? रवि ठाकुर। ठाकुर साहब कितना काम हुआ है यहाँ 5 साल? काफ़ी काम हुआ है यहाँ पे गेटों का काम हुआ है गलियाँ बनी हैं काफ़ी पार्कों की फैसिलिटी का काम हो रहा है सारे काम हो रहे हैं। किस पे ज़्यादा जो वादे होते हैं नेताओं के या पार्टियों के किस पे यकीन है आपको? केजरीवाल। उससे पहले कांग्रेस ने भी काफ़ी काम किए हैं ऐसा नहीं है। हमारे जो विधानसभा में हमारे विधायक थे उन्होंने भी पहले काम किए ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। यहाँ पे BJP का कभी प्रकोप रहा ही नहीं है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनके विधायक ही ऐसे थे बात ही उल्टी सीधी बोलते थे इस कारण बस यहाँ BJP कभी संपन्न नहीं हो पाई।
दूसरी पार्टियों ने यहाँ कब्जा जमा के रखा। अब केजरीवाल का ही नाम हो रहा है, 5 साल से अभी नई सत्ता में आई है और वही कार्य को कर ऐसा रही है। ऐसा क्या वजह रही कि जो कांग्रेस का सारा वोट बैंक था वो केजरीवाल जी की पार्टी में खिसक गया 2015 में? देखो ऐसा हुआ, वादे किए लोगों ने, पहली बात तो लोकपाल के हुए बात हो रही थी लेकिन वो लोकपाल लटक ही गया। अब कहाँ गया उसके बारे में तो मैं भी नहीं कह सकता। काम हुआ? काम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन मैं तो यही कहूँ कि आए 5 साल के लिए, फिर केजरीवाल आए 15 साल तक के लिए आए केजरीवाल। हमें तो यही है, जो हमें सुविधा मिल रही है स्कूलों में, हॉस्पिटल में, सब चीज में सुविधा मिल रही है हमको, और बत्ती पानी में सबसे बढ़िया सुविधा मिल रही है, और इससे ज्यादा गरीब को क्या चाहिए। ये सुंदर नगरी है और पिछले आधे घंटे में आम आदमी पार्टी की 3 प्रचार गाड़ियां दिख चुकी हैं और लोग भी आसपास आकर कहते हैं कि भैया केजरीवाल ने बहुत सारा काम किया, यानी एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था वो खिसक कर आम आदमी पार्टी के पाले में चला गया। सुंदर नगरी का कोली मोहल्ला, ऐसा मोहल्ला जिनके लिए छोटी से छोटी सरकारी मदद मायने रखती है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, दिन में भी बिजली का लट्टू टिमटिमाता है। ऐसे परिवारों के लिए फ्री बिजली, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, ऐसा तोहफा था जो पहले किसी पार्टी ने नहीं सोचा। ये सुंदर नगरी का कोली मोहल्ला है और एक बहुत बड़ा कोली समाज यहां पर रहता है। कितने परिवार होंगे भैया यहां पर? यहां पे होंगे 40-50 परिवार होगा इस मोहल्ले में। कब से रह रहे हैं आप लोग यहां? यहाँ तो 20-25 साल हो गए हमको। मतलब कांग्रेस का भी जमाना देख लिया आप लोगों ने और आम आदमी पार्टी का भी? हाँ। अभी किसने वादे पूरे किए? अभी तो केजरीवाल ही है जो अभी कर ही रहे हैं, अभी तक बहुत कुछ किया है, आगे भी करें, उनको उम्मीद होगी कि उनको सपोर्ट मिलेगा तब तो करेंगे। क्या क्या हुआ मोहल्ले में उसके बाद? मोहल्ले में काफी कुछ सुविधा, पानी की भी पहले बहुत तंगी चल रही थी यहाँ पे, उन्होंने काफी पानी की टंकियां लगवाई और यहाँ सफाई भी कम रहती थी तो उन्होंने यहाँ पे सफाई के लिए भी बहुत लोग आगे बात की थी तो होने लगा। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम तो रेखा। रेखा जी, बदला कुछ इलाका? इलाका बदल रहा है, पढ़ाई स्कूलों में अच्छी हो रही है, शिक्षा वगैरह सब। पहले गार्ड नहीं रहते थे, अब गार्ड भी रहते हैं। पहले बच्चे स्कूल से भाग जाते थे, अब उनकी सुविधा हो रही है स्कूलों में। स्कूलों में बिजली में, पानी में, हर चीज की सुविधा है, बस फ्री हो गई। और फर्क पड़ रहा है इससे घर पे? पड़ रहा है फर्क, क्यों नहीं पड़ रहा है? 3,000 रुपए महीने बिजली का बिल देंगे, 1,000 देंगे, अगर कुछ नहीं आ रहा है, 100-150 आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैसा बचेगा तो हमारे बच्चों के काम आएगा। ये बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सब सरकारी में पढ़ते हैं वो लड़के। कौन सा? खत्ते वाला। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? गवर्नमेंट सीनियर स्कूल। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री ने बताया। कैसे पढ़ाई हो रही है फिर यार? बताते। इन वादों का असर आज भी सुंदर नगरी पर नजर आता है, लेकिन हर पार्टी इस तिलिस्म को तोड़ना चाहती है, इसलिए ऐसे वोट बैंक पर नजर है जो एक मुश्त हो। यहाँ वाल्मीकि समाज का भी एक बड़ा वोट बैंक है। बिजली पानी दिल्ली के लिए कितना बड़ा मुद्दा था ये पार्टियां समझ नहीं पाई और जो वोट बैंक था वो खिसक गया। अब आप यहीं पर देख लीजिए, ये शौचालय है और इसमें बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, ऊपर लिखा भी हुआ है शौचालय, 4th वर्षगांठ इसकी मनाई गई थी, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 भी लिखा गया है, लेकिन साथ ही एक और स्टिकर यहाँ पर चिपकाया गया है कि इस शौचालय पर बिजली की फिटिंग ना होने के कारण पानी नहीं है, यानी बिजली की वजह से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ आएगा वो इसे भी पढ़ेगा और सोच कर जाएगा कि ये कैसा काम है। नंदनगरी में ये वाल्मीकि व्यायामशाला है और सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वाल्मीकि समाज के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम ब्रह्मप्रकाश ढीकिया है। ब्रह्मप्रकाश जी, कितना समुदाय है जो वाल्मीकि समाज, कितना वोट होगा यहाँ उनका, कितने परिवार होंगे, कितनी आबादी है? वाल्मीकि समाज की जो आबादी है वो करीब 48,000 के आसपास है और जो वाल्मीकि वोट है, पहले तो गलती से वो झाड़ू का एक इन्होंने वो दे दिखाया था अपना सिंबल कि वाल्मीकि समाज को ठग लिया था केजरीवाल एंड टीम ने। अब ऐसा नहीं है कि उनकी पोल खुल चुकी है, उन्होंने वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी थे उनके लिए अभी तक इन 5 सालों में कुछ नहीं किया। जिस तरीके से उन्होंने अपना ये कहा था कि हम 20,000 कर्मचारी हैं उनको पक्का करवाएंगे, उनका कैशलेस कार्ड था, उनके और भी डिमांडें थी, वो कोई डिमांड पर खड़े नहीं उतरे, तो इससे वाल्मीकि समाज का मुँह भंग हो गया है। वो इस वजह से वाल्मीकि समाज वापस कांग्रेस की ओर मुड़ना चाहता है। आपका क्या नाम है सर?
मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी, क्या है यहाँ आपको लग रहा है कि जो वोट बैंक है, जो बिजली पानी के नाम पे सुंदर नगरी के लोग, नंद नगरी लोग काफी खुश हैं, तो उसमें सिर्फ समुदाय के नाम पे वोट किसके का? नहीं, समुदाय के नाम पे नहीं है, एक तो विधायक से खुश नहीं है लोग। दिल्ली में मंत्री होते हुए राजेंद्र पाल गौतम से लोग खुश नहीं है पूरे क्षेत्र में। और वीर सिंह दिघान का ये था कि पूरे 15 साल पहले MLA रहे हैं, तो उसे बच्चा जानता है जो पहले कांग्रेस के टाइम में काम किया, कैंसर हॉस्पिटल वगैरह, ये GTV हॉस्पिटल बनवाया, तो उसे और समाज से भी जुड़ा हुआ, वाल्मीकि समाज से भी अच्छी पहचान है। और जो वाल्मीकि समाज का BJP ने उम्मीदवार दिया उसको यहाँ तक तो जानता नहीं, बाहर ही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो है ना, केजरीवाल का होगा, लेकिन यार राजेंद्र पाल गौतम को वोट नहीं मिलेगी। राजेंद्र पाल गौतम का जो है व्यवहार, उसका ये बिल्कुल ठीक नहीं रहा पूरे 5 साल। कोई भी एक काम जो है ना समुदाय भवन, ना कोई स्कूल, ना कुछ, उसने अपने योजना में कोई नहीं बनवाया है सीमापुरी विधानसभा में। इसलिए विधायक के नाम पर तो जो है वीर सिंह दिघान को लोग पर्सनल जानते हैं, इसलिए इस बार जो है ना मुझे लग रहा है कि दिघान साहब की सीट यहाँ से निकल जाएगी। सर, क्या नाम है आपका? सर, प्रेमचंद बेनीवाल। बेनीवाल साहब, विधायक के नाम पे या फिर केजरीवाल के नाम पे या फिर बिजली पानी के नाम पे? हाँ जी सर जी, ऐसा है कि हमारे जो ये दिघान जी है, इन्होंने पर्सनल लोगों से काफ़ी अच्छी बना रखी है। छोटे मोटे काम के लिए कोई भी जाता है तो उसको मना नहीं करते और हर तरीके से हेल्प देते हैं वो। इसलिए हमारा वाल्मीकि समाज का जितना भी झुकाव है वो दिघान जी की तरफ से। BJP को भी उम्मीद है कि आपके इस वोट बैंक को खिसका पाएंगे। ये सीट BJP ने अपनी सहयोगी LJP को दी है। LJP ने संतलाल चावरिया को मैदान में उतारा है। संतलाल इससे पहले आम आदमी पार्टी में थे और वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। दिल्ली सफाई कर्मचारियों से जुड़े रहे। ऐसे में बिजली फ्री, पानी फ्री के नारे के आगे BJP को भी वोट बैंक का ही सहारा है। ये वोट बैंक और गठबंधन का ही असर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सीमापुरी सीट है ये LJP के खाते में डाल दी। अब यहाँ गठबंधन का उम्मीदवार है। सर, आप BJP से जुड़े थे या LJP से जुड़े थे? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में सीमापुरी विधानसभा का संयोजक हूँ। TS खन्ना मेरा नाम है। तो खन्ना जी, अब तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी बंगला समझाने में। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही। शुरू में थोड़ा सा होता है, लेकिन अब पूरे ठीक हो गया है, पूरे लोग समझने लग गए हैं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। आप BJP से थे सर, LJP से? मैं LJP से हूँ सर। आप यहीं के रहने वाले हैं या फिर आप बिहार से हैं? मैं इनके साथ में हूँ, संतलाल जी के साथ में, और लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि तो आप कब से इनके साथ हैं, संतलाल जी के साथ? वैसे तो मैं इनके पूरे, मतलब मैं बचपन से ही साथ में हूँ। ठीक है, मेरे से बड़े हैं, बड़े भाई हैं, तो मैंने इनके संघर्ष को नज़दीकी से देखा है, तो काफ़ी कर्मठ और जुझारू प्रवृत्ति के इंसान हैं। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम मदनलाल माहौर। मदनलाल जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, है ना? पूरा ऑटो में आपकी आवाज़, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान, बंगले का निशान, समझाते परेशानी हो रही है, आसान हो गया? नहीं जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। जो हमारे रामविलास पासवान जी की पार्टी है, हमारे गठबंधन है, और बिहार में भी गठबंधन है और सेंटर में भी गठबंधन है, तो और दिल्ली में भी गठबंधन। यहाँ क्यों लगता है कि आपको LJP को वोट पड़ेगा दिल्ली सीमापुरी में? क्यों लगेगा LJP को? जो अभी जो हमारे रामविलास पासवान जी ने पूरे जो खाद्य मंत्री है भारत सरकार के, उन्होंने पानी को चेक किया और दिल्ली का पानी प्रदूषण था, खराब था, गंदा पानी था। क्योंकि अभी तुम और इतना अच्छा गठबंधन है और जो बिहार में चलता है। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं भैया पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी, स्कूलों में शिक्षा अच्छी कर दी, तो आप क्या बता रहे हैं, आप कौन सा काम बता रहे हैं? देखिए, 5 साल ये कहते रहे कि जी मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, LJP साहब ने काम नहीं करने दिया, लड़ते रहे, और इन्होंने फ्री में, आप तो कहते ना कोई थप्पड़ भी नहीं मारता। अब चुनाव आते आते 5 महीने में भारत सरकार ने भी छूट दे दी और कमिश्नरों ने भी छूट दे दी, उपराज्यपाल जी ने दे दिया, क्योंकि चुनावी माहौल है ये। और ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ सीमापुरी विधानसभा में बस स्टैंड देखिए आप, एक भी क्षेत्र में बस स्टैंड अच्छा नहीं है। जो ऑटो वाला जाएगा या कोई गाड़ी वाला जाएगा तो बस स्टैंड पे ही खड़ा होता है। आज सीमापुरी विधानसभा के अंदर एक भी बस स्टैंड अच्छा नहीं है और सारे खंडर है। सुनिए साहब, जो F1 F2 के अंदर जमीन पड़ी है DDA से खाली कराई, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया जो F1 F2 के अंदर स्कूल नहीं बनवा सके, वो कागजों में चल रहा है F2 के
राजीव गांधी पार्क की तरफ को F1 F2 और जमीन खाली पड़ी है, ये तो इनके ढकोसलेबाजी हैं। और सुंदर नगरी वार्ड के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद कमलेशगढ़ ने एक जच्चा बच्चा केंद्र बनवाया था। बीजेपी के कार्यकर्ता को उम्मीदवार को छोड़ के LJP के उम्मीदवार को मैदान में लाना, तो बीजेपी ने क्या पहले हार मान ली थी, बीजेपी को अपने संगठन में कोई नेता नहीं मिला यहाँ से लड़ने के लिए, या फिर वाल्मीकि समाज का यहाँ बड़ा वोट बैंक है उसको लुभाने के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा? नहीं, बड़ी अच्छी बात कही है आपने, ये बातें बड़ी अच्छी कही हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, उन्होंने हमारे लिए इनको कैंडिडेट को यहाँ भेजा है, ये वाल्मीकि समाज से हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता अच्छे नहीं थे या हमारे कर्मठ नहीं थे या मेहनती नहीं थे, सारे कार्यकर्ता बहुत मेहनती बहुत कर्मठ, हमारे मंडल अध्यक्ष बहुत मेहनती हैं सारे। हमने पीछे हमने लोकसभा हमने एक बार ही रिकॉर्ड बनाया 22,000 मतों से हमने लोकसभा ये जीती है। उसी लोकसभा को देखते हुए ही हमें हमारी पार्टी ने हमें आदेश दिया है कि आपने, क्योंकि इनका गठबंधन जो है हमें हमारे साथ है, गठबंधन को कहीं ना कहीं तो सीट देनी थी, तो गठबंधन को हमारे साथ इन्होंने दिया क्योंकि यहाँ पे हम 22,000 वोटों से जीते हैं। इस जीत को देख के इन्होंने कहा है कि हाँ इस बार ही गठबंधन से अगर हम कोई कैंडिडेट दे देंगे तो यहाँ से जीतेंगे। हमने इनसे वायदा किया है, हमें पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं और उसका पालन करते रहेंगे। तो सीमापुरी में बीजेपी के कमल की जगह बंगले का निशान चुनाव चिन्ह है और नजर वोट बैंक पर है। कांग्रेस की भी कोशिश है कि पुराना वोट बैंक एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ा जाए और आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि फ्री बिजली फ्री पानी फ्री बस की चार दीवारी के अंदर उसका वोट बैंक सुरक्षित है।